सभी यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई पेमेंट करने वाले के लिए पांच बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। लेकिन पहला जो बदलाव किया गया है फोन पे एप्लीकेशन में ही किया गया है। इसके अलावा भीम एप्लीकेशन में किया गया है, गूगल पे एप्लीकेशन में किया गया है, पेटीएम एप्लीकेशन में किया गया है। मतलब ये फैसिलिटी जो जो एप्लीकेशन में है वो सब में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो पांच बदलाव क्या है आपको अलग अलग चैनल पर देखने को मिलेगा। लाइक अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं या आप ट्रिकी धर्मेंद्र पर देखें, और दूसरा वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ बैंकिंग पॉइंट पे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिए, आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तभी जो फर्स्ट बदलाव जो किया गया है जो कि 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, ये आप सबको फोन पे एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा। वो अपडेट ये है कि आपको पता होगा यूपीआई लाइट के बारे में। ये यूपीआई लाइट इस तरीका का काम करता है, लाइक अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो वहां पर पेमेंट करने टाइम हम लोग क्या करना पड़ता है, यूपीआई पिन डालना पड़ता है। बट इसमें एक फैसिलिटी इंक्लूड किया गया है, आप बिना किसी एम पिन डाले हुए पेमेंट किसी को कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक अपडेट ये था ओल्ड में कि सिर्फ आप एक दिन में 500 रुपया एड मनी कर सकते हो और 500 रुपया खर्चा कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें क्या अपडेट दे दिया है, अभी आप डायरेक्टली आप इसमें 5000 रुपया एड मनी कर सकते हो और एक दिन में 4000 रुपया खर्चा कर सकते हो। क्योंकि इससे पहले सिर्फ 200 का ही लिमिट था, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके डायरेक्ट 4000 रुपये पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि चलो अगर हम इसको पेमेंट करना चाहेंगे तो हम बिना एम पिन का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा 5000 रुपया अगर इसमें भी रखे हैं जमा करके, यानी एड मनी करके रखे हैं, अगर हमको फिर से दोबारा पेमेंट करना है और मेरा बैलेंस भी कम हो गया तो हम कैसे फिर करेंगे। तो हाँ, इसके लिए भी एक फैसिलिटी इंक्लूड इसमें कर दिया गया है। और फैसिलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सेटअप ऑटो पे का। ये सेटअप ऑटो पे कैसे काम करता है आपको इसके बारे में पूरा जानकारी दिला देता हूँ, उसके बाद और भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलो टॉप अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इसे बताता है कि आप कितना ऑटोमेटिक एड मनी करना चाहते हो। यहाँ पे आप देखिए तो मॉडिफाई का भी ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ से खुद से मॉडिफाई कर सकते हो। तो चलो मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमको 500 रुपया ऑटोमेटिक एड होना चाहिए या 1000 होना चाहिए या 1500 होना चाहिए, और इसके अलावा आपका कम से कम बैलेंस कितना होगा उसके बाद ऑटोमेटिक उस बैंक से जो है एड मनी हो जाना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 200 रुपया, और यहाँ पे मॉडिफाई पे देखिए ऊपर में एक ऑप्शन दिया ऑटोमेटिक, जिसमें हम 500 रुपया रखते हैं, तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में ऑप्शन दिया है सेव का, आप सेव करोगे आपको यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो भी बैंक में ऑटो पेमेंट सेटअप लगवाना चाहते हो वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको करना है इस पे एड मनी पे क्लिक। जैसे एड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो भी एम पिन रहेगा अपना बैंक का, आप एम पिन यहाँ पर डालोगे, और एम पिन डालने के बाद कनेक्शन सिक्योरिटी चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटो टॉप अप फैसिलिटी को एड कर लिया गया है। और अभी यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम अगर आपके वॉलेट में 500 से जैसे आप 500 रुपया एड मनी करोगे उसको देखिए ऑटो डेबिट जो ऊपर में सेट हो गया है। तो कम से कम आप 500 रुपया एड मनी कीजिए, और 500 रुपया से अगर कम रहेगा, लाइक अगर 200 रुपया पाया तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये 300 रुपया आपके अकाउंट से एड कर लेगा। मतलब 500 रुपया से आप कम कभी भी ये इसमें नहीं रहने देगा। अगर आपको कभी भी पेमेंट करना रहेगा तो आप यहाँ से पेमेंट कर पाओगे। अभी देखेंगे हमारे यूपीआई लाइट में 1 रुपया हो चुका है, जो की लो बैलेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ये अभी 100, मतलब यहाँ पे देखिए 499 रुपया ऑटोमेटिक अभी एड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि 200 में रखा था लो पेमेंट, तो ऑटोमेटिक ये एड कर लेगा। बट अगर आप इसको चाहते हैं कि भाई साहब हमको लॉन्ग टाइम तक इसको नहीं रखना है, तो आप इसको कैंसिल भी कर पाओगे, यानी ऑटो एड मनी का जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ से कैंसिल भी कर पाओगे, ठीक है। मैनेज टॉपअप का एक फैसिलिटी दिया गया है, इस पर जब क्लिक करो तो ऊपर में देखा आपको दिखाई देगा कि यूपीआई लाइट का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसको मैं पोज करके रखूँ तो आप पोज करके भी रख सकते हो। यहाँ पोज पर क्लिक करोगे उसके बाद कितने मंथ के लिए पोज करना चाहते हो ये भी यहाँ पर दिया गया, दिस मंथ के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, या कस्टमाइज डेट भी दिया गया, तब कस्टमाइज भी कर पाओगे। उस डेट तक आपका इसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं चालू रहेगा। अगर चाहते हो कि भाई नहीं हमको उसको डायरेक्टली जो है मतलब डिलीट ही कर देना, यहाँ पर देखिए शायद हमको और 200 रुपया कट गया है, नहीं अभी तक नहीं कटा, नहीं कट ही जाएगा। तो अगर आपको चाहते हैं कि इसको हम डिलीट ही कर दूं, हमको नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है, हमको मैनुअली एड मनी करना है, तब मैनुअली भी एड कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया डिलीट का ऑप्शन, आप डिलीट पर क्लिक करोगे, कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो ऑटो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए आपको एक एम पिन मांगा जाएगा, जो कि आपका सेविंग अकाउंट का एम पिन रहेगा, वो एम पिन डालोगे ऑटो पे डिलीट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक डिलीट मेरा हो चुका है, अभी हमको मैनुअली इसमें एड मनी करना पड़ेगा। तो अगर आप मैनुअली एड मनी करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया मैनुअली एड मनी ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे टॉप अप पे, और फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। तो इसमें पहला मिलेगा अगर आप ऑटो सेटअप करना चाहते हो ये वाला सेलेक्ट कीजिए, अगर आप एड मनी करना है तो आप एड मनी पे क्लिक कीजिए वन टाइम वाला पे। उसके बाद अपना कौन सा बैंक से करना चाहते हैं बैंक सेलेक्ट कीजिए, अमाउंट आपको 1500 रुपया हो चुका है, एड मनी पे क्लिक कीजिए, एम पिन डालिए, आपका यहाँ पे एड मनी सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद गाइस अगर आपका यूपीआई लाइट में जितना भी बैलेंस एड मनी हो जाएगा उसके बाद अगर आपको किसी को भी पेमेंट करना है बिना एम पिन का, तो डायरेक्टली आपको देखिए स्कैन एंड पे एक ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको स्कैन करना पड़ता है। तो पहले एक मैं क्यूआर कोड लेता हूं, तो उसका आपको समझाने में हमको अच्छा रहेगा, इसके लिए पहले एक क्यूआर कोड ले लेता हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर अपना एक क्यूआर कोड ले लिया हूँ, अभी स्कैन पे क्लिक करता हूँ। स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली चलना है गैलरी में, गैलरी में जब चाहोगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड हमको दिख रहा है, क्यूआर कोड में स्कैन करूंगा। स्कैन करने के बाद जैसे भी 1 रुपया हमारे यूपीआई लाइट में है, यहाँ पे 1 रुपया डालता हूँ, प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको
देखने को मिलता होगा यूपीआई लाइट का, जो कि हमारे 1 रुपया वो हमको ऊपर में देखने को मिलता होगा। तो अगर हमको भी अगर दूसरे अकाउंट से करें तो हमको एम पिन डालना पड़ेगा। लाइक अगर हम सेविंग अकाउंट से करते हैं, देखिए यहाँ पर एक हमको एम पिन का ऑप्शन आता है, बट अगर हम यूपीआई लाइट वॉलेट से अगर करते हैं, इस पर क्लिक करें डायरेक्टली पे करेंगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर किस तरह आपको एम पिन डालने की जरूरत नहीं रहता, ये जो इमरजेंसी में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सो इस तरीके से आप यूपीआई लाइट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो पहले लिमिट भी कम था, अभी लिमिट भी ज्यादा कर दिया गया 5,000, और यहाँ पर डे का भी खर्चा भी 4,000 तक कर पाओगे, और ये भी फैसिलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो इसके लिए आपको अभी यूपीआई लाइट को यूज करना चाहिए, इमरजेंसी के तौर पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो उम्मीद करते हैं आपके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।